नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फायरमैन के जो भर्ती है इस परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जो परीक्षा वो यहाँ पर 29 जनवरी को आपकी परीक्षा होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर एक नई लेटेस्ट न्यूज क्या है कि फायरमैन के लिए 1,42,000 टोटल आवेदन आए। कितने दोस्तों? 1,42,000। और एक पद के लिए यहाँ पर लगभग 237 उम्मीदवार देंगे एग्जाम। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको नौकरी लगनी है तो आपको 237 यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंपटीशन करना होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अग्निशामक अधिकारी के 29 पदों के लिए 8,000 ने किया आवेदन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मिनिमम अंक है वो यहाँ पर 33% अंक यहाँ पर बताए गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आने वाले, इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए नीचे वाला, दोनों ही भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पेपर दो हिस्सों में आएगा, यानी भाग ए और भाग ब में आएगा। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा को 70 अंक कर दिया। दोनों ही भर्ती परीक्षाओं के लिए सिलेबस में राजस्थान के इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, कल्चर, परंपराएं व विरासत संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिये दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर राजस्थान के भूगोल व संस्कृति पूछे जा सकते हैं अधिक सवाल। तो दोस्तों, आप पर इन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पूरी न्यूज आपको बता देता हूँ। राजस्थान में आयोजित होने वाली पिछले कुछ परीक्षाओं के ट्रेंड को देख के तो राजस्थान भूगोल और कल्चर से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए उम्मीदवार भाग ए की तैयारी में इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले। इसके अलावा एग्जाम में फिजिकल का वेटेज अधिक है, इसलिए बोर्ड के नोटिफिकेशन मुताबिक फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दे। दोस्तों, ये महेंद्र चौधरी ने बताया, यहाँ पर एजुकेशन एक्सपर्ट है, उन्होंने ये बताया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको राजस्थान जीके की तैयारी करनी है यहाँ पर फायरमैन के लिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वहां पर आपको राजस्थान जीके के यहाँ पर टोटल वीडियो मिल जाएंगे, जिससे कि आप आसानी से अपने पेपर को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो जानकारी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।